हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर 5 डिवीज़न। सो क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमने ये वीडियो नंबर जो हमने इसकी फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये उसी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमें दिखाया गया था कि हम सिंपली 18 डिवाइडेड बाय 3, हमें सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था, इस तरीके से दिया हुआ था जिसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ही दिया हुआ था। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको पहले हमें इस फॉर्म में राइट डाउन करना है, देन हमें इसको डिवाइड करना है। सो हमें पता है कि 3 हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और 18 हमारा क्या है, डिविडेंड है। आपको मैं याद होगा कि मैंने आपको लिख के दिखाया था यहाँ पे डिवीज़न था और ये हमारा डिवाइडर था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे टेबल, हम 3 को रिकॉल करेंगे। अब देखेंगे 3 की टेबल में 18 कब आता है, तो 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, और ये हमारा क्या था, रिमाइंडर। आई होप आपको ये पॉइंट याद होंगे। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 54 को लिखेंगे डिविडेंड की फॉर्म में, डिविडेंड की जो पोजीशन है, देन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 9। अब हम रिकॉल करेंगे टेबल ऑफ 9 फॉर 54, तो 9 की टेबल में 54 कब आता है, 9 6 54, तो ये हमारा 6 हो जाएगा क्वोशेंट, एंड 54 हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 4 इज़ 0 एंड 5 - 5 इज़ 0, एंड ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट आता है 36 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम अंदर लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू 36 का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। नाउ हम टेबल रिकॉल करेंगे 6 की, 6 6 कितना होता है, 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन इज 6 एंड 36 हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, 6 - 6 इज़ 0 एंड 3 - 3 इज़ 0, सो 0 इज़ आवर रिमाइंडर। नाउ 70 डिवाइडेड बाई 10, सो फर्स्ट राइट ऑन द 70 हेयर, देन 10, तो 10 की टेबल में 70 कब आता है, 10 × 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 70, सो 10 7 = 70। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो गिवन हमारा डिविडेंड है, जस्ट उसके नीचे हमने राइट डाउन करना है, माइनस कर देंगे, 0 - 0 इज़ 0 एंड 7 - 7 इज़ 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, 0 एंड क्वेश्चन इज 7। नाउ मूव टू द पार्ट ई। नाउ वी हैव टू डिवाइड 50 by 5। इस जो क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, अभी हमारा हमने वो टाइप सीखी नहीं है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं पार्ट एफ की, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 की टेबल में 32 कब आता है, 4 8 = 32, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा और ये 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर रिमाइंडर हमारा कितना रह जाएगा, 0। नाउ हम बात कर लेते हैं 20 की, 20 डिवाइड करना है हमने 10 से, तो 10 की टेबल को जब हम रिकॉल करते हैं, तो 10 2 क्या होता है, 20, सो 10 2 = 20, माइनस कर देंगे 0, 2 - 2 इज़ 0, सो दिस इज़ अवर रिमाइंडर। नाउ मूव टू द एच पार्ट, 28 डिवाइडेड बाय 7, सो जब हम रिकॉल करते हैं टेबल ऑफ 7, तो 7 4 कितना होता है, 28, तो 4 हमारा हो जाएगा क्वोशेंट, 28 हमारा प्रोडक्ट, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस वी गेट रिमाइंडर 0। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर ई की। एक तो हमारा मेथड यही हो जाएगा हम की रिकॉल कर ले हम टेबल को। अगर हम बात करते हैं 5 के टेबल की, 5 10 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5 10 = 50 लिख देंगे। लेकिन इस तरीके का जो मेथड है ना, वो आगे जाके काफ़ी टिपिकल सा हो जाता है, तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 50 लिखा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्लियर। अब इसको ये दो पार्ट हो गए, लेकिन 5 हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये जब हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे ना, उसमें आपको ये मेथड आने वाला है। लेकिन इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो हम 5 1 = 5 कर लेंगे। अब 5 में से जब 5 0 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये 0 नीचे आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा रिमाइंडर हो गया, हमने ऊपर से वैल्यू ली है, तो अगेन हमें यहाँ पे एक 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, देन यू सब्ट्रैक्ट और आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर 0। तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन ये हम जब नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे ना, उसमें आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट वर्कशीट सीख लेंगे, तो आप इन दोनों तरीकों से ही इसको ईजिली कर पाएंगे। सो दिस वॉज वर्कशीट नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 डिवीज़न, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।